सेम उन 6 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अब वो फ्रॉड क्या है, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में इलीगल है, पुलिस पकड़ लेगी आपको, आप पहले डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। और अब लिस्बन में जो घर लेने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपको 3 सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल शिबाज जिमा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ, मज़े में हूँ। इस टाइम बड़ा ज़बरदस्त व्यू मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। ये भी मेरे घर के पास एक व्यू है, मुझे पता नहीं था, और आज मैं वैसे ही वॉक करता करता आ गया यहाँ पर। तो जी बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, पहले आपको व्यू दिखाते हैं फिर आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो जी ये रहा मेरे घर के सामने एक पार्क है, यहाँ से ये व्यू नज़र आता है। वो रहा ब्रिज जो मशहूर है, जो समंदर के दूसरी तरफ जाता है, और ये आगे समंदर है सारा, अलमादा का एरिया उस साइड पे। सबसे पहले जी आप सबको जुम्मा मुबारक, और साथ में जी कल पहला रमज़ान है, रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पहला रोज़ा है। तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करते हैं इस दफ़ा सबकी जो लाइफ है वो इजी गुजरे, और दुआ करते हैं जो लोग बेचारे हमारे बहन भाई जो भी हैं, दोस्त अहबाब जो पुर्तगाल में अपने रेजिडेंसी मकसद के लिए यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, उनकी मुश्किलात भी आसान हो और उनका जो प्रोसेस है जल्दी फास्ट हो जाए। जी आज फ्राइडे है और 1 अप्रैल है, तो आज के दिन मुझे जो ना आज अभी तक 6 मैसेजेस रिसीव हुए हैं ऐसे लोगों के जो यूक्रेन और दूसरे कंट्री से लोग आए हैं, और उनके साथ जो फ्रॉड हो रहा है जो आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और सेम उन 6 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अब वो फ्रॉड क्या है, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जो घर होते हैं यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आती है स्टार्टिंग में। हमारी देसी फैमिलीज़ का कोशिश यही होती है कि हम जाएँ यहाँ पर जहाँ से, और जाती है हमारा जो घर का रहने का ना वो अरेंजमेंट आगे हो। अब जो यहाँ पे जो लूटने वाले हैं वो लोगों को ऐसे ही ट्रैप कर रहे हैं। ट्रैप कैसे कर रहे हैं ये भी सुन लीजिएगा। जो फैमिली बीवी बच्चों के साथ आ रहे हैं वो कहते हैं जी हमें घर चाहिए। अब आपको पता है कि लिस्बन के अंदर घर मिलना बड़ा मुश्किल है स्टार्टिंग में। अब लिस्बन में जो घर लेने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपको 3 सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं, IRS जिसे एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न होती हैं वो चाहिए होती है, और एक पासपोर्ट होल्डर जो गारंटर चाहिए आपको, ठीक है। अब जो नया बंदा आ रहा है वो ये कहाँ से चीज़ें पूरी करेगा, तो इसका मतलब है आपको कोई देसी बंदा ही कोई घर शर्त देगा, और आप कोई पुर्तगीज बंदा तो ये आप रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर पाएंगे, तो आपके नाम पे घर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो वैसे देसी बंदों को गोरे जो हैं वो घर देते भी नहीं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। अब देसी बंदे जो है वो आपको अच्छे भी हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं कर देते हैं, ये नहीं सारी कम्युनिटी बुरी नहीं होती, 100 में से कोई 10 बंदे बुरे होते हैं, 90 भाई अच्छे भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही देसी लोग वैसे बदनाम, कुछ वो कहते हैं ना एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती, वही सीन है, कुछ 10 बंदे हैं वो 100 उन 90 बंदों का भी नाम बदनाम कर देते हैं। अब सीन ये है कि वो ऑफ़र करते हैं जी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, आप हमें एडवांस दें, आप घर को फाइनलाइज़ करें, हमारे पास घर है, आपको सिर्फ आते ही आपने रहना शुरू कर देना है। इवन कई लोगों ने बेचारों ने उन्होंने ट्रैवल करने से पुर्तगाल एंट्री करने से पहले उनको एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है, वो एडवांस पेमेंट लेकर गायब हो गए, नंबर ब्लॉक हो गया, सब कुछ हो गया। वो एड लगाते हैं, वो ग्रुप्स में लगाते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स में एड्स लगते हैं, ठीक है, अच्छे भी होते हैं यार फेसबुक के ग्रुप्स में से, हेल्प भी बड़ी होती है, लोग हेल्प करते हैं, लेकिन आपको पता है एक ग्रुप में 5,000 बंदा है तो उसके अंदर 1-2 फ्राडियाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो इससे ज़रा केयरफुल रहे, पहली बात तो आपने एडवांस पेमेंट किसी को नहीं भेजनी जब तक आप यहाँ ना आए, और दूसरा जब यहाँ आते हैं ट्रैप कैसे करते हैं जी उनको कि हमारे पास घर है, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आप रह लें हमारे घर के अंदर, आपको वहाँ में घर में रख देंगे। फिर वो दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप जब उनके पास चले जाते हैं दूसरा स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन, वो कहेंगे जी आप डॉक्यूमेंटेशन हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, डराएंगे कि आप इलीगल हैं, पुलिस पकड़ लेगी आपको, आप पहले डॉक्यूमेंट्स बनवाएँ। और भाई यहाँ पे ऐसे ही 1-2 स्टूडेंट यूक्रेन वाले हैं, उनके साथ भी हुआ हाथ कि बंदा उनको डरा रहा है और घर पे रखा हुआ है, वो बेचारे पूरा महीना रूम से बाहर निकले और 500 यूरो ले लिया सिर्फ सोशल सॉरी फिनांस का और जुनते का 500 यूरो ले लिया। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो 2 डॉक्यूमेंट बनाने का 500 यूरो ले रहा है और उसके बाद जो फाइल लॉक करनी है और सोशल बनाना है उसके अलग पैसे चार्ज करेगा इनसे। जब लोगों को वो डराते हैं कि आप बाहर ना निकलना इलीगल हो जाएंगे तो आपको पकड़ लेगी पुलिस, वो ये करेगी वो करेगी, तो लोग भी बेचारे डर जाते हैं, चलो यार पहले डॉक्यूमेंटेशन भी इनसे बनवा लेते हैं, अब ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो वो हेल्प के नाम पर आप डॉक्यूमेंटेशन में आपसे पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स भी आपको टाइम पर डिलीवर नहीं करते, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी का आज बड़ा मसला बना हुआ है, उसकी रीज़न ये है कि सोशल सिक्योरिटी आप अप्लाई ही नहीं करते, ठीक है, आपका फिनांस बनवा दिया, जुनता शुनता बनवा दिया, बना के और फाइल लॉक करके विदाउट सोशल सिक्योरिटी आपके हाथ में पकड़ा देते हैं और आप भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और जब घर का कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम नहीं होता तो जब इनको और पैसे नज़र आता है कि आप
और पैसे इनको पे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और पैसे आपसे वो निकलवा लें, फिर वो आपको कहेंगे जी आप अपनी रिहायश का बंदोबस्त कर लें, तो यहाँ पे इतने बंदे रहने का जो है परमिशन नहीं है, हमें अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पास तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं ना लीगल, तो आप तो कुछ कोई एक्शन भी ले सकते हैं उनके खिलाफ, तो फिर आपको वो घर भी छोड़ना पड़ता है। तो ये ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मोस्टली जो है ना लोग जो फैमिलीज़ हैं वो एडवांस में पेमेंट दे देती हैं उनको और फंस जाती हैं। मुझे छः फैमिलीज़ का बता रहा हूँ कि छः फैमिलीज़ हैं जिसमें इंडियन भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, जो आज उनका मुझे आज मैसेज आया। तो बात बताने का मकसद ये है कि मेरी आप लोग सपोर्ट करते हैं मुझे इस चैनल के ऊपर, रीचिंग भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, तो आपको अवेयरनेस देना है कि अवेयर रहें, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लेकिन आप माशाल्लाह मच्योर हैं, आपको बात से आइडिया हो जाना चाहिए। इस सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना, पहली बात है ये जो डॉक्यूमेंटेशन का सोशल मीडिया पर आप कहते हैं ना फ्री में, वाकई में यहाँ पर फ्री में बनते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ हर चीज़ फ्री में बनती है, लेकिन फ्री में बनाता कोई नहीं, एडवाइज़ फ्री में सारे देते हैं, ठीक है, हाँ ऐसा कर ले वैसा कर ले, आप उनको बोले आप हमें सिर्फ जुनता बना दें, ठीक है, फ्री में, वो जुनता भी नहीं बना देंगे, जैसे जुनता मतलब कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता है ना, वो भी फ्री में नहीं बना देता, हालांकि उसकी किसी जुनता ऑफिस में 5 यूरो फीस होती है, किसी जुनता 8 यूरो या 10 यूरो फीस, इससे ज़्यादा नहीं होती, तो वो भी आपसे 70-80 यूरो चार्ज करते हैं। तो एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक डॉक्यूमेंट देने में हालांकि प्रॉब्लम कोई नहीं होती, उस पर भी चार्ज करते हैं, और जो ये लोग कहते हैं जी हम हेल्प हमसे कॉन्टैक्ट करें ये करें वो करें, फिर भी बार बार कहता हूँ कि पैसे लगा के आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, तो इसलिए ऑथेंटिक बंदे से बनवाएं, किसी ऐसे बंदे के डायर ना चढ़ जाएं, ठीक है, बड़े लोगों के साथ हाथ हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो फिर इसी वजह से कंट्री का नाम ही बदनाम हो जाता है, ये कंट्री बहुत बुरी है भाई, पुर्तगाल जैसी कंट्री पूरे यूरोप के अंदर इस टाइम नहीं है, जो 5 साल में पासपोर्ट और 1.5 साल में 1.5 से 2 साल में रेजिडेंसी दे देती है और आप अपने कंट्री जाने के काबिल हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं बैठा हूँ तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट, खैर इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया, लेकिन फिर भी मैंने समझा कि आप साथ डिस्कस किया जाए, और ये माइक मैं इसलिए इस तरह यूज़ कर रहा हूँ आज, क्यों आज हवा इस यहाँ समंदर के किनारे बैठो, हवा बहुत तेज़ आ रही है, तो आपको आवाज़ के साथ फुरफुर भी बहुत ज़्यादा आएगी हवा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें काफ़ी समझ आई होंगी, भाई को सपोर्ट कर दे करें इस चैनल के ऊपर, आपको इन्फॉर्मेशन या कोई हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, स्क्रीन पे नाम भी चल रहा है उसका। सेकंड चैनल है भाई का फैमिली चैनल है लाइफ विद शहबाज, वहाँ भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की वहाँ भी बहुत बहुत ज़रूरत है, और ये जो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है ऐसी वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करें, ताकि हमारे मोस्टली बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी इंडियन जो बांग्लादेश से हैं वो पुर्तगाल आने की ख्वाहिशमंद हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच सके, फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर करें, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर करें, ताकि जो बेचारे अपना जमा पूंजी साथ लेके आते हैं यूरोप में सेटल होने के लिए, वो लूटे ना जाएं किसी के हाथों, ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान आ रहा है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको ऐसे फ्रॉडियों से और मुश्किलों से बचाए, और हमारे लिए भी आगे जो मंजिलें हमारी आसान हो, नमाज़ पढ़ें, अपनी भी दुआ करें, भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी, अल्लाह हाफिज़।